So, dear students, we were discussing about factors or basis for providing depreciation, जिसमें मैंने आपको ये चार पॉइंट अभी बताया है. एक तो होता है कॉस्ट ऑफ असेट, जैसे मैं एग्जाम्पल लिया 10,30,000. फिर मैंने आपको बताया एस्टिमेटेड नेट रेसिडुअल वैल्यू, जिसे आप स्क्रैप वैल्यू भी बोल सकते हो आफ्टर एस्टिमेटेड लाइफ, जिसमें हमने लिया मान लो 1,00,000 रुपया है आपका. डेप्रिसिएबल कॉस्ट, डेप्रिसिएबल कॉस्ट आपका क्या होता है, तो नंबर वन माइनस नंबर टू, मतलब कॉस्ट ऑफ असेट में से एस्टिमेटेड नेट रेसिडुअल वैल्यू माइनस कर दोगे तो आपको मिलेगा डेप्रिसिएबल कॉस्ट. और लास्ट वाला हमारा पॉइंट था एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, जो हमने एज्यूम किया है 10 ईयर्स, कि मान लो कि आपकी असेट 10 ईयर्स तक सर्वाइव करेगी. तो इन फैक्टर्स को ध्यान में रख के हम डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे. अब बात करते हैं हम मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन की, कि डेप्रिसिएशन काउंट करने के कितने मेथड हैं. तो देखो, डेप्रिसिएशन काउंट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं. आप कौन सी असेट यूज करते हो उसके हिसाब से मेथड डिसाइड की जाती है. ज्यादातर दो मेथड बहुत ही पॉपुलर है. एक मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा मेथड है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. तो हम यहाँ पे हमारे सिलेबस में दो मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का, उन दो मेथड के ऊपर डिस्कशन करेंगे और उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझने का ट्राई करेंगे. तो सबसे पहले मेथड जो है डेप्रिसिएशन की, जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहा जाता है. आवाज आ रही है मेरी? यस सर. ओके, तो चलो सबसे पहले हम समझने का ट्राई करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है. अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन मेथड जो है उसके नाम में ही आपको बता दिया है कि इसको फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि इस मेथड में एवरी ईयर जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट रहता है वो फिक्स रहता है, इक्वल रहता है. एवरी ईयर जो अमाउंट हम काउंट करेंगे डेप्रिसिएशन का वो फिक्स रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. मान लो पहले साल आपने 10,000 रुपया डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, तो दूसरे साल भी 10,000 रुपया ही रहेगा, थर्ड ईयर में भी वो 10,000 रुपीज ही रहेगा. एवरी ईयर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स सेम. और जब अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम रहता है, इसीलिए इसका नाम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, या तो उसे स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहा जाता है. तो दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन ऑफ इक्वल यूसेज ऑफ टाइम ओवर असेट्स एंटायर यूजफुल लाइफ. अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, अ फिक्स एंड इक्वल अमाउंट इज चार्ज एज डेप्रिसिएशन इन एवरी अकाउंटिंग पीरियड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन असेट. तो मान लो आपकी असेट 1,00,000 रुपये का है और आपका एस्टिमेटेड लाइफ 10 ईयर्स है, तो 1,00,000 को आप 10 से डिवाइड करोगे 10 ईयर्स से, तो 10,000 रुपीज डेप्रिसिएशन आएगा, और वो 10,000 रुपीज एवरी ईयर आप डेप्रिसिएशन के तौर पे लिखते जाओगे. तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट यहाँ पे इक्वल रहता है हर साल, इसीलिए इसका नाम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड है. इसके बाद जो हम दूसरी मेथड पढ़ेंगे, जिसका नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जिसमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट एवरी ईयर कम होता रहता है, जबकि ए वाली जो मेथड है, इस मेथड में अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स इक्वल एवरी ईयर, इसीलिए इसको स्ट्रेट लाइन मेथड कहा जाता है. अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि इस मेथड में आप डेप्रिसिएशन कैसे काउंट करोगे. तो देखो, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको डिफरेंट फैक्टर्स बताए थे, उनको ध्यान में लेके हम डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे. फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिख रहा होगा. डेप्रिसिएशन अगर आपको काउंट करना है तो कॉस्ट ऑफ असेट लेना है, जो हमने एग्जाम्पल में लिया था 10,30,000 कॉस्ट ऑफ असेट लोगे, उसमें से आप माइनस कर दोगे एस्टिमेटेड नेट रेसिडुअल वैल्यू, जिसको हम स्क्रैप वैल्यू बोलेंगे, जो मैंने आपको बोला था 1,00,000 है. तो 10,30,000 माइनस 1,00,000, तो ऊपर वाला जो पोर्शन है न्यूमरेटर का आंसर आएगा 9,30,000. कैसे आया 9,30,000? 10,30,000 माइनस 1,00,000.
1 लाख आपका स्क्रैप वैल्यू है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपेक्टेड लाइफ। तो नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपेक्टेड लाइफ हमने एज्यूम किया था 10 इयर्स। तो अब आपका पूरा जो कैलकुलेशन होगा वो इस तरीके से होगा, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, उस एग्जाम्पल के हिसाब से 10,30,000 आपकी असेट की कॉस्ट थी, उसमें से आप माइनस कर दोगे स्क्रैप नेट रेसिडुअल वैल्यू जो 1 लाख था, तो आपको जो आंसर मिलेगा ऊपर वाला, वो ऊपर वाला आंसर होगा आपका 9,30,000। जो 9,30,000 आ रहा है उसको आप डिवाइड कर दोगे एस्टिमेटेड लाइफ से, नंबर ऑफ इयर्स से, तो वो हमने 10 इयर्स लिया था, 10 इयर्स। तो इस हिसाब से अगर हम काउंट करेंगे तो हमारा जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा वह एवरी ईयर 93,000 रुपीज आएगा। ये जो 93,000 रुपीज जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट मैंने आपको बताया है वो एवरी ईयर सेम रहेगा, इसीलिए इसको इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहा जाता है। आ रहा है समझ में बेटा? यस सर। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, इस मेथड में डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट रहेगा एवरी ईयर इक्वल रहेगा। अच्छा, अब कोई ऐसा चाहता है कि मुझे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन काउंट करना है कि मैं कितने परसेंटेज से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का, कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर आपको काउंट करना है तो आपको क्या करना है, आपका जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आया है, जैसे कि हमारा अभी अमाउंट आया था 93,000, उस डेप्रिसिएशन को अमाउंट को आप टोटल कॉस्ट ऑफ असेट से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई 100 से कर दो, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो आंसर आपको बताएगा कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपने कितना चार्ज किया है। तो हमारी कॉस्ट ऑफ एसेट थी 10,30,000। अगर आप ए फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो आपको मिल जाएगा आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन काउंट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज की जाती है जो स्क्रीन पे मैंने आपको बताई हुई है, और एक न्यूमेरिकल्स भी दिया हुआ है ताकि आपको समझ में आए जो हमने अभी एज्यूम किया है। तो अगर आप 93,000 को 10,30,000 से डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो जो आंसर आएगा वो आंसर आपका होगा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप करके देखो कितना आ रहा है, मैं भी यहाँ पे आपको बता देता हूं। अगर आपके पास कैलकुलेटर है या तो मोबाइल फोन में है तो आप काउंट करो, चलो कितना रेट आएगा देखो। तो इसका आंसर आ रहा है, ये रेट है, इसको हम परसेंटेज में बताएंगे। तो दिस इज द आंसर कमिंग फॉर दिस। अगर आप ट्राई करोगे कैलकुलेटर पे तो आपको ये आंसर मिलेगा। चलो आ रहा है समझ में बेटा? ओके, तो हम डिस्कशन कर रहे हैं मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन का। मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन जो है हमारी, उसके ऊपर हमारा डिस्कशन चल रहा है।
तो मैंने आपको स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में बताया। हमारा टॉपिक चल रहा है अभी मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, जिसमें हमने फर्स्ट मेथड के ऊपर डिस्कशन किया जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। जैसे मैंने आपको बताया इस मेथड में डेप्रिसिएशन की अमाउंट इक्वल रहती है हर साल। अच्छा, दूसरी मेथड है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अच्छा, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट एवरी ईयर डिक्रीज होता रहता है, डिमिनिश होता रहता है। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसका दूसरा नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, या तो उसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहा जाता है। क्यों इसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोला जाता है? क्योंकि एवरी ईयर डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम होगा। इट इज ऑल्सो नोन एज रिड्यूसिंग बैलेंस और रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, अलग अलग इसके नाम है। अंडर दिस मेथड द डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेट एट अ सर्टेन फिक्स परसेंटेज एवरी ईयर ऑन द डिक्रीजिंग बुक वैल्यू, कॉमनली नोन एज रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द असेट। तो दो मेथड के बारे में मैंने आपको डिस्कशन किया है। अब दोनों मेथड के कुछ एक्सरसाइज में ले लेता हूं ताकि आपको अच्छा क्लियर आइडिया आ जाए। अच्छा, मुझे बताओ क्या आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? कैन यू सी द व्हाइट यस सर, बोर्ड? यस सर। ओके, चलो तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सी मेथड है डेप्रिसिएशन की, और उसके ऊपर हम एक्सरसाइज लेंगे ताकि आपको ज्यादा क्लियर आइडिया आ जाए। मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, ये हमारा टॉपिक है। हम बात कर रहे हैं मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन की, जिसमें मैंने आपको बताया कि फर्स्ट मेथड जो है उसका नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड। अच्छा, स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में अगर आपको डेप्रिसिएशन काउंट करना है तो आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जो फॉर्मूला इस तरीके से है, कॉस्ट ऑफ असेट, उसमें से आप माइनस कर दो स्क्रैप वैल्यू, जिसको नेट रेसिडुअल वैल्यू भी कहा जाता है, और इस पूरी फॉर्मूला को आपको डिवाइड कर देना है। ये पूरी तो हम बात कर रहे थे डेप्रिसिएशन की फॉर्मूला की। तो डेप्रिसिएशन अगर आपको काउंट करना है तो डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड में सबसे पहले आपको कॉस्ट ऑफ असेट लेना है। उस कॉस्ट ऑफ असेट में से आप माइनस कर दोगे स्क्रैप वैल्यू, और ये जो आंसर आएगा उसको आप डिवाइड कर दोगे। ये पूरा जो आएगा कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू, उसको आप डिवाइड कर दोगे एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ से, या तो आप बोल सकते हो लाइफ ऑफ असेट जो आपने एस्टिमेट किया है, इसलिए आगे एस्टिमेटेड वर्ड भी आप लिख सकते हो, क्योंकि हमें नहीं पता है कि हमारी असेट कितने साल चलने वाली है, एक एस्टिमेशन है। तो अगर हमें एक्सरसाइज से काउंट करना, कुछ एग्जाम्पल लेना है तो चलो ले लेते हैं। मान लो आपके पास जो असेट है उसकी वैल्यू 5 लाख रुपीज है, 5 लाख का आपके पास मशीन है। उस मशीन के इंस्टॉलेशन के मान लो 20,000 रुपीज आपने कॉस्ट पे किया है, और उसका मान लो ट्रांसपोर्ट का चार्जेस आपने 10,000 पे किया है, तो आपकी असेट की टोटल कॉस्ट हो गई 5,30,000। उसमें से आपको उसकी स्क्रैप वैल्यू माइनस करनी है। स्क्रैप वैल्यू क्या होता है कि
कि 10 साल आप यूज करोगे, 15 साल यूज करोगे, तो आपका एक एस्टिमेशन होता है कि जब इसको स्क्रैप में सेल करेंगे तो कितना मिलेगा। तो मान लो हमारे 5 लाख के मशीन को सेल करने से 10 साल बाद हम सेल करेंगे तो मान लो 30,000 मिलने वाला है, ऐसा हमारा एक एस्टिमेशन है। इसलिए एस्टिमेटेड वर्ड लिखा हुआ है, एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू ऐसा आप बोल सकते हो। इसको आप डिवाइड कर दो आपकी एस्टिमेटेड लाइफ से, तो मान लो हमने यहाँ पे एज्यूम किया है कि हमारा ये असेट 10 ईयर्स चलेगा, 10 साल ही असेट चलने वाला है, ये मशीन 10 साल चलेगा, ऐसा हमारा एजम्पशन है। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन का अमाउंट मिल जाएगा। टोटल हो रहा है 5,30,000 जो कॉस्ट ऑफ असेट है, उसमें से स्क्रैप वैल्यू आप 30,000 माइनस कर देते हो और उसको पूरे को डिवाइड कर देते हो आप 10 से, जो 10 ईयर्स से उससे डिवाइड कर दो, तो जो आंसर आपको मिलेगा वो होगा आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट। और आप समझ सकते हो वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा 5,30 माइनस 30 तो आएगा 5 लाख, उसको डिवाइड कर देना है 10 ईयर्स से तो आपको यहाँ पे अमाउंट मिल जाएगा 5 लाख डिवाइडेड बाय 10, तो 50,000 रुपीज ये आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट हो गया। और ये एवरी ईयर सेम रहेगा, एवरी ईयर आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड 10 साल तक लिखते रहोगे, 50,000 डेप्रिसिएशन, 50,000 डेप्रिसिएशन। ये जो मैंने आपको मेथड बताई बेटा, ये मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। इसको स्ट्रेट लाइन मेथड आप इसलिए बोलते हो क्योंकि यहाँ पे एवरी ईयर डेप्रिसिएशन रिमेन सेम। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कैन यू अंडरस्टैंड? यस सर, हाँ यस सर। अब मान लो हमें रेट जानना है कि किस परसेंटेज से हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, तो इसी में मैं कंटिन्यू कर रहता हूं कि मान लो मुझे जानना है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन की अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताई थी जिसमें आपको लेना है डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो आपने काउंट किया उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, और ये जो पूरा आएगा उसको आप डिवाइड कर दोगे कॉस्ट ऑफ असेट से, कॉस्ट ऑफ असेट से डिवाइड कर दोगे आप, तो आपको डेप्रिसिएशन का रेट मिल जाएगा। इसको डिवाइड करना होता है कॉस्ट ऑफ असेट से। तो चलो काउंट करते हैं, हमारे पास एक्सरसाइज तो ऑलरेडी है, हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास एक एग्जांपल है, उसी को ले लेते हैं। तो जैसे हमने काउंट किया, हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट 50,000 रुपीज आया था, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है और इसको आप डिवाइड कर दोगे कॉस्ट ऑफ असेट से, तो आप सबको बताए कॉस्ट ऑफ असेट कितना है, तो इस असेट का कॉस्ट है 5,30,000, क्योंकि कॉस्ट की जब बात करेंगे तो उसमें ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंस भी ऐड हो जाएंगे, उसके अंदर आपके इंस्टॉलेशन के एक्सपेंस भी ऐड हो जाएंगे। तो चलो आप लोग, आपके पास कैलकुलेटर है तो इसको काउंट करके मुझे बताओ, बोलो कितना आ रहा है, क्या रेट आएगा, कोई बताएगा? मुझे ही करना पड़ेगा, 50,000 × 100 डिवाइडेड बाय 5,30,000। एनीवन? 50,000 × 100 डिवाइडेड बाय 5,30,000। तो जैसे मैं कर रहा हूं तो आंसर आया 9.43%। तो ये आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हो गया। आ रहा है समझ में बेटा? दो चीजें मैंने काउंट करके बताई आपको, हाँ आ रहा है सर। ये 9.40%, 43% आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। इसका मतलब ये हुआ कि एवरी ईयर हम इस परसेंटेज से, इस रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं।
तो ये मैंने आपको स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में इंफॉर्मेशन दिया। अब हम बात करेंगे दूसरी मेथड की, जिसका नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, या तो उसे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहा जाएगा। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, कुछ लोग उसे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं, या तो उसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहा जाता है। ये अलग अलग उसके नाम है। अच्छा, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो आपके कॉस्ट ऑफ असेट, आपका जो कॉस्ट ऑफ मशीन है, आपने जो मशीन खरीदा उसकी कॉस्ट है मान लो 10 लाख रुपया। आपने 10 लाख रुपए में, चलो एक सिंपल सी अमाउंट ले लेते हैं ताकि ज्यादा आपको समझ में आए, आपके मशीन की वैल्यू है 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपए का आपने मशीन खरीदा, और ऐसा समझ के चलते उसमें सारी कॉस्ट, इंस्टॉलेशन के सारे एक्सपेंस भी इसमें आ चुके हैं, ऐसा मान लेते हैं। और क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, आपको बोला है कि आपको 5% से डेप्रिसिएशन काउंट करना है एवरी ईयर, 5% पर एनम, 5% से डेप्रिसिएशन काउंट करना है। अब इस मेथड में आपको ये दो ही चीजें दिया जाएगा, इससे ज्यादा इसमें कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहां पे एस्टिमेटेड लाइफ से कोई मतलब नहीं है। यहां पे आपको ये दो चीजें जो दिया है उसको हम कंसीडर करते हैं। अब इनको ध्यान में लेके हम डेप्रिसिएशन की अमाउंट काउंट करेंगे। तो करना क्या होता है, सबसे पहले तो आपको लिख देना है आपका कॉस्ट ऑफ असेट, मतलब आपका कॉस्ट ऑफ मशीन, जो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपए का आपका मशीन है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हुआ, 1 लाख रुपीज का मशीन है जो आपके मशीन की कॉस्ट है। मैं यहां पे डेट भी आपको दे देता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। मान लो हमने ये मशीन जो है 1 अप्रैल को खरीदा था, 1 अप्रैल 2020 में खरीदा था, ऐसा मान के चलते हैं ताकि आपको डेट वाइज पता चल जाए। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। ओके, अब जो डेप्रिसिएशन होता है वो साल के एंड में काउंट होता है, तो हमारा ये साल जो है खत्म होगा 31 मार्च 2021। साल का एंड होगा 31 मार्च 2021। इस डेट को हमें डेप्रिसिएशन काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक एनुअल कॉस्ट है। जब भी आप फाइनल अकाउंट बनाओगे तब आपको इसको फाइन करना होता है। तो अब डेप्रिसिएशन यहां पे अगर आपको काउंट करना है तो आपको क्या करना है, मशीन की जो कॉस्ट है 1 लाख रुपया, उसको जो रेट दिया है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो 5% दिया है, 5% / 100, इससे आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो 1 लाख का अगर आप 5% निकालोगे तो 1 लाख का 5% आएगा, बोलो कितना आएगा, कोई बताएगा, 5000 आएगा। तो ये जो आपका 5000 रुपीज आया है वो आपका डेप्रिसिएशन की अमाउंट है। तो पहले साल आपने 5000 रुपीज डेप्रिसिएशन काउंट किया, ये फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ यहां पे आपका। अब एक साल के बाद आपके पास जो मशीन है वो मशीन की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, तो आपके मशीन की वैल्यू होगी आपके पास ओनली 95000, क्योंकि 5000 से उसकी वैल्यू डाउन हो गई। वही मैं आपको कब से समझा रहा हूं कि डेप्रिसिएशन से मशीन की वैल्यू डाउन हो जाती है। तो ये जो 95000 रुपीज आया है वो आपके हाथ में वैल्यू है 31 मार्च 2021 को, जिसको हम बोलेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू। ये आपका रिटर्न डाउन वैल्यू है, दिस इज द रिटर्न डाउन वैल्यू। कई लोग इसको बुक वैल्यू भी बोलते हैं,
दिस इज ऑल्सो नोन एज बुक वैल्यू। मतलब बुक में जो हमारे पास असेट है उसकी आज की डेट में वैल्यू 95,000 है। ये फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ। अब मशीन एक साल तो चलेगा नहीं, मशीन तो बहुत साल तक चलेगा। तो अब दूसरा साल भी हमने इसी मशीन को यूज किया, तो सेकंड ईयर हमारा कंप्लीट होगा एक साल बाद 31 मार्च 2022। साल बदल गया एक साल, 31 मार्च 21 से लेके 31 मार्च 22, एक साल का फिर से डेप्रिसिएशन हमें काउंट करना पड़ेगा। तो फिर से हम इसमें डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे। तो अब जो आपको डेप्रिसिएशन काउंट करना है वो 95,000 के ऊपर काउंट करना है, क्योंकि अब आपके पास जो मशीन है वो 1 लाख का नहीं है, वो 95,000 का है। तो 95,000 का जो मशीन है उसका आप 5% निकालोगे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस मेथड। तो 95,000 का अभी आपको 5% निकालना है। आपके पास कैलकुलेटर हो तो आप मुझे बताओ, बोलो कितना आएगा 95,000 जो है उसका 5%। तो वो अमाउंट आप किया जाएगी 4750। दिस इज द डेप्रिसिएशन ऑफ द सेकंड ईयर। दूसरे साल का डेप्रिसिएशन आपने काउंट किया। आ रहा है बेटा समझ में? हाँ बोलते रहना, समझ में आए तो, ना समझ में आए तो भी पूछ लेना मुझे। ओके। तो देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि फर्स्ट ईयर में 5,000 डेप्रिसिएशन था, सेकंड ईयर में 4750 डेप्रिसिएशन कम हो गया, क्योंकि हमारे असेट की वैल्यू कम हो गई। पहले 1 लाख थी, अभी 95,000 है। तो एवरी ईयर द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन गोज ऑन डिमिनिशिंग। नॉट ओनली दैट, असेट की वैल्यू भी डिमिनिश हो रही है, इसीलिए उसका नाम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। अब इस साल के एंड में 31 मार्च 2022 को हमारे असेट की रिटर्न डाउन वैल्यू, या तो जिसे बुक वैल्यू बोलेंगे, वो हमारे पास होगी। कितनी होगी? तो आपकी जो 95,000 वैल्यू थी उसमें से 4750 माइनस कर दो तो क्या बचेगा? 90,250। तो देखो थर्ड ईयर के बिगिनिंग में वैल्यू कम हो गई है, क्योंकि डेप्रिसिएशन लग गया, मशीन की वैल्यू मार्केट में कम हो रही है। इसी तरह से एवरी ईयर आप डेप्रिसिएशन काउंट करते जाओगे। अब थर्ड ईयर स्टार्ट होता है, थर्ड ईयर का एंड होगा 31 मार्च 2023, जो अभी आया नहीं है पर मैं आपको बता रहा हूं इसलिए यहां पे दिख रहा है। तो अब फिर से आप डेप्रिसिएशन काउंट करोगे। अब डेप्रिसिएशन किस अमाउंट पे लगेगा? अब डेप्रिसिएशन 90,250 पे लगेगा, क्योंकि अब हमारे पास जो मशीन है वो 90,250 का है। एवरी ईयर उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो उसका 5% आप लगाओगे। चलो मुझे बताओ 5% निकाल के कितना आ रहा है? 90,250 का 5% काउंट करो। अकाउंट में आपको कैलकुलेटर साथ में रखना पड़ेगा, क्योंकि अब जो चैप्टर आएगी उसमें कैलकुलेशन आएगा। ₹4,513 इसे 12.50 आ रहा है, पर मैंने इसको यहां पे 50 पैसा बढ़ा दिया है। अमाउंट कुछ इस तरीके से आ रहा है। मैंने इसको अप्रोक्सीमेटली एक अमाउंट बना दिया है, राउंड ऑफ कर दिया है, और राउंड ऑफ करके मैंने आपको यहां पे बता दिया है उसको। ₹50 बढ़ा दिया है ताकि कैलकुलेशन में हमें दिक्कत ना हो।
थर्ड ईयर कंप्लीट हुआ। थर्ड ईयर कंप्लीट होने के बाद थर्ड ईयर के एंड में मतलब 31 मार्च 2023 को आपके मशीन की रिटर्न डाउन वैल्यू, जिसे आप बुक वैल्यू भी बोल सकते हो, वो कितनी होगी? एवरी ईयर मशीन की वैल्यू कम हो रही है, तो 90,250 था, उसमें से और वैल्यू कम हो गया। और आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो अब आपके पास बचेगा 85,737। ये जो बेटा वैल्यू आया उसको आप बोलोगे रिटर्न डाउन वैल्यू, बुक वैल्यू। तो मैं आपको ये बताना ये चाहता हूं कि इस मेथड में जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो एवरी ईयर कम होता रहेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं लगता है, डेप्रिसिएशन रिटर्न डाउन वैल्यू पे लगता है। अब फोर्थ ईयर में अगर मुझे डेप्रिसिएशन काउंट करना है तो 85,737 का मैं 5% निकालूंगा और उसके ऊपर जो भी अमाउंट आएगी वो मेरा डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा। एवरी ईयर आप देखो मेरा कैलकुलेशन चेक करो, किस अमाउंट पे मैं डेप्रिसिएशन काउंट कर रहा हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ज्यादातर अकाउंटेंट यही मेथड फॉलो करते हैं, क्योंकि इंडिया में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसने इस मेथड को कंसीडर किया हुआ है। दिस इज अ वेल रिकॉग्नाइज्ड मेथड, इवन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑल्सो रेकमेंड दिस मेथड। तो इसका कैलकुलेशन आप करोगे तो आ रहा है 4,286.85। मैं इसको राउंड ऑफ कर देता हूं ताकि कैलकुलेशन में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इसको अगर राउंड ऑफ कर देते हैं तो हम लिख सकते हैं 4,287। 15 पैसा मैंने बढ़ा दिया है ताकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी रहे। चलो इतना समझ में आ रहा है। बताइए प्लीज। तो आप देख सकते हो सबसे स्टार्टिंग में हमारे मशीन की वैल्यू 1 लाख थी, फिर 5,000 डेप्रिसिएशन लगा तो 95,000 वैल्यू हो गई, फिर से डेप्रिसिएशन लगा 95,000 पे 5% तो वैल्यू 90,250 हो गई, फिर से डेप्रिसिएशन लग रहा है तो डेप्रिसिएशन से फिर से हमारी वैल्यू कम होकर 85,737 हो गई। तो इस तरीके से आप देख सकते हो एवरी ईयर जो आपका डेप्रिसिएशन आपकी असेट की जो वैल्यू है वो कम हो रही है। पहले 1 लाख था, फिर 95,000 हो गया, फिर 90,250 हो गया, फिर 85,737 हो गया। एवरी ईयर द वैल्यू इज गोइंग डाउन, और हर साल वैल्यू डाउन हो रही है, इसीलिए इस मेथड का नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। आ रहा है समझ में? जानवी, मानसी, भास्कर रॉय, काइंडली प्लीज रिप्लाई। कोई डाउट है इस कैलकुलेशन में? समझ में आ रहा है? जी सर। सर। ओके गुड। तब क्विकली मैं आपको फिर से बता देता हूं आज हमने क्या कवर किया। हमने स्टार्ट किया चैप्टर डेप्रिसिएशन, और इस चैप्टर में हमने सबसे पहले आपको बताया क्या क्या आपको पढ़ना है,
डेप्रिसिएशन का मीनिंग मैंने आपको बताया कि डेप्रिसिएशन मीन्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स ड्यू टू इट्स यूसेज, पैसेज ऑफ टाइम और टेक्नोलॉजिकल चेंज और एनी अदर रीजन। फिक्स असेट की वैल्यू कम होती है जिसे डेप्रिसिएशन कहा जाता है, और डेप्रिसिएशन एक तरह से नॉन कैश एक्सपेंस है, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखते हैं, और इससे हमारा जो टैक्सेबल प्रॉफिट है वो कम होता है बिकॉज इट इज अ डिडक्टिबल एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन काउंट करने के टाइम आपको इन चार आइटम्स का ध्यान रखना है। कॉस्ट ऑफ असेट आपको पता होनी चाहिए, स्क्रैप वैल्यू मतलब एस्टिमेटेड नेट रेसिडुअल वैल्यू आपको याद होना चाहिए, मतलब एक आपका एस्टिमेटेड अमाउंट है कि 10 या 15 साल बाद स्क्रैप में कितना मिलेगा ये मशीन का या कंप्यूटर का या व्हीकल का, जो भी असेट हो। डेप्रिसिएबल कॉस्ट है, जो 1 से 2 माइनस करोगे तो उसे डेप्रिसिएबल कॉस्ट कहेंगे। कॉस्ट ऑफ असेट माइनस एस्टिमेटेड नेट रेसिडुअल वैल्यू जो डेप्रिसिएबल कॉस्ट है, जो डेप्रिसिएबल कॉस्ट आएगा उसको आप एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ से डिवाइड करोगे तो आपको डेप्रिसिएशन का अमाउंट मिलेगा। मेथड्स मैंने आपको बताया, दो मेथड है। फर्स्ट मेथड का नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसका आपको एक्सरसाइज करके मैंने आपको समझाया। इस मेथड में एवरी ईयर डेप्रिसिएशन सेम रहता है, इक्वल रहता है, फिक्स रहता है, इसीलिए इसका नाम स्ट्रेट लाइन मेथड है, जिसका फॉर्मूला आप देख सकते हो। कॉस्ट ऑफ असेट में से एस्टिमेटेड नेट रेसिडुअल वैल्यू मतलब स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दो तो आपको मिलेगा डेप्रिसिएबल कॉस्ट, उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दो तो आपको डेप्रिसिएशन का अमाउंट मिलेगा जो एवरी ईयर इक्वल रहेगा, हर साल आप वही अमाउंट चार्ज करोगे। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन काउंट करना है तो पहली फॉर्मूला का जो आंसर आ रहा है डेप्रिसिएशन का, उसको टोटल कॉस्ट ऑफ असेट से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई बाय 100 करो तो आपको रेट मिल जाएगा। ये हमारी हो गई स्ट्रेट लाइन मेथड। उसके बाद मैंने आपको बताया रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसके बहुत सारे नाम है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस भी कहा जाता है, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोला जाता है। इस मेथड में होता क्या है, डेप्रिसिएशन के लिए आपको एक परसेंटेज दिया जाएगा, जैसे मैंने एक एक्सरसाइज अभी आपको बताया जिसमें 5% मैंने आपको बताया था, और उस परसेंटेज से डेप्रिसिएशन काउंट होता है। डेप्रिसिएशन पहले साल कॉस्ट पे काउंट होगा, बाद में उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू पे काउंट होगा। फर्स्ट ईयर पे कॉस्ट पे काउंट होगा, बाद में रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन काउंट होता है। आज हम इतना रखते हैं, कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नया टॉपिक मतलब नेक्स्ट क्लास से हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। अभी तक आपने डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन का मेथड पढ़ा, कैसे काउंट करते हैं, अमाउंट कैसे काउंट करते हैं। अब हमें पढ़ना है उसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं, मतलब अब हम जर्नल एंट्रीज पे जाएंगे, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के ऊपर हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। असाइनमेंट सबमिट कर देना बेटा, जो भी असाइनमेंट दिया है वो। सर वो असाइनमेंट डाउनलोड नहीं हो रहा, मैं आपको व्हाट्सएप भी किया, वो थोड़ा ये व्हाट्सएप पे डाल दी ना सर। ओके, वो आप व्हाट्सएप चेक नहीं किया आपका, वो मिला ही नहीं।